अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैंडम व्यूज में। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। जैसा कि देख पा रहे हो गाइस, वी आर फ्लाइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉट एन फॉर द ग्राउंड पावर यूनिट ट्विच 320732 अ ग्राउंड पावर यूनिट इज ऑन द रोड। Ground Twitch 320732. Could you please send the baggage? Twitch 320732. Baggage is on the way. Ground Twitch 320732. Could you please send the catering truck? Twitch 320732. The catering truck is on the road. पेट मेरा आज ना आज पेट बहुत खराब चल रहा है, चलो उठ के जाना पड़ सकता है बाथरूम। गलत फहमियां तो मिटा दे। आंख मेरी बात सो से नाची आज। ग्राउंड ट्विच 320732, could you please connect the jetway to the aircraft? Twitch 320732, the jetway is going to be connected. दस फीट की है जेट है।
प्लेन की जमीन से। वैसे भाई जब तक पैसेंजर लोड हो जाए ना गाइस, तब तक अपन ये लेके आता हूँ, क्या बोलते उसको, पानी वानी लेके आता हूँ मैं। हाँ 2 मिनट देना मेरे को, पेपर पेज भी लोड तो कर ही नहीं है, गेम आए नहीं। आया भाई पर भाई, थोड़ा सा बाथरूम हो के बाथरूम भी जाना होगा।
भाई कुछ भी करना भाई, ठंड में गैस मत करवाना अपना, है ना भाई? पर गैस भाजी मत करवाना मतलब, लूज, गैस मत करवाना मतलब अरे खाना खाने से जो गैस होता है ना पेट में, उसके भाई बाद जो साहब एसिडिटी होना तो टाइप्स नहीं होता होती, भैया। एसिडिटी होती है ना, उसकी वजह से गैस होता है ना भाई, दौड़ाता है ना जितना बार ठंड में ठंडा पानी पिछवाड़े में लगता तो उसको अवॉइड करने का एक तरीका है ना, खाना खाने के बाद एकदम कभी बैठना नहीं चाहिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, इधर उधर वॉक करो। है। नहीं मैं कल कल ज्यादा भी खा लिया था, गलत गलत भी खा लिया था, तो वो तो लेजेट ही है भाई। पहले तो मिक्सर मुड़ी शाम को खाया, ठीक है, उसके बाद रात को इडली चोखा अंडा और 6 रोटी, 2 हजमोला में क्या होगा उसमें। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं दूध भी नहीं पिया साथ में, ये तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता इतना गैस हो जाता। तो पाजी आपको गेम, आपने गेम चालू किया देखा मैं, क्या हाँ मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, वो नया प्ले नहीं आया उसको टेस्ट कर रहा हूँ। वो लोडिंग स्क्रीन पे दिखा रहा है? मैं तो फ्लाइट मार रहा हूँ वियतनाम की, आना हाँ तो आ हाँ जाओ मैं भी टेस्टिंग कर लो, नहीं, 1.5 घंटे की फ्लाइट है। आपके लिए रुका हुआ तो मैं बोला जाता हूँ, बात पाजी का गेम ऑन हुआ वो सेट वेट होने में टाइम लगता है, तब तक आएंगे तब तक नहीं मैं नहीं बात, आज तब तक मैं वो बाथरूम से साइड हो नहीं, आया उस हूँ। साइड नहीं, आज दूसरी साइड। ये वाला गैस ना 7 अप जैसा क्लियर ड्रिंक पीने से ठीक हो जाता है। चलो जेट वे डिस्कनेक्ट करते Ground हैं। Twitch 320732. Could you please disconnect the jetway from the aircraft? इंजन स्टार्ट करना, पैसेंजर्स लोड हो गए होंगे। हाँ Ground Twitch 320732 IFR to Neubai, ready to copy. Twitch 320732 is cleared to Neubai Airport as filed. Take off runway 01 right climb and maintain 9,000 feet. Departure frequency is 119.25 squawk 2475. 9,000 feet, copy that. Twitch अरे बना कि 320732 नहीं cleared to Neubai सेटिस्फैक्ट्री Airport का as filed. खत्म भी हो गया Take off गेम भाई, runway सेटिस्फैक्ट्री 01 right climb and maintain 9,000 feet. खत्म कर दिया मैंने Departure on कल। 119.25 squawk 2475. Twitch 320732 readback is correct. Contact ground on 121.7 when ready to taxi. Good day. ये गरम इंजन ठीक हो गया है अपना, पहले एपीयू बंद करेंगे। बढ़िया एपीयू ब्लीड, एपीयू मास्टर स्विच ऑफ, स्ट्रोब्स ऑन, नैव लाइट्स ऑन, पैसेंजर्स लाइट्स ऑन, एक्सीआईएफआर मांगता। हाँ Ground स्प्राइट पी Twitch रहा हूँ 320732 with Alpha मैं, ready to देखना taxi चाहता IFR. हूँ, मैंने Twitch देखा नहीं कौन था फिर रात को 2 बजे, taxi to and halt मैं short जब खेल runway रहा था दो 01 बंदों की right वाचिंग आ रही थी, climb मेरे को लगा and तुम देख maintain रहे 7 होगे। golf Charlie Bravo Bravo 13. Contact tower on 119.0 when ready. ओके taxi to and hold short runway 01 right using taxiway tango 7 golf Charlie अब वो Bravo Bravo स्प्राइट का 13 गैस हो गया Twitch ना, थोड़ा सा स्प्राइट पी के 320732. पेट ठीक कर रहा।
स्प्राइट का उससे कार्बोनेटेड से इससे ठीक हो जाता है एसिडिटी। ग्राउंड सर्विस इंजन्स ऑन है, रुको इंजन्स ऑन तो कर दिया, ये वाला क्रैंक से लो, पार्किंग ब्रेक हटा लो, पुश बैक चालू कर लो। जो Ground Twitch 32072 requesting pushback. इतनी ठंड में स्प्राइट, अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री भाई, बंदे ठंड में आइसक्रीम खाते, मैं तो ठंड में स्प्राइट पी रहा हूँ। आप क्या ही बोले क्यों? एनीवेज वेलकम टू स्ट्रीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? आज हम गाइस जा रहे हैं यहाँ से सिंगापुर से, हाँ सॉरी थाईलैंड से जा रहे हैं वियतनाम। थाईलैंड ना, उस दिन बैंकॉक गए थे ना आपके साथ, आप उड़े थे मेरे साथ जो बैंकॉक की फ्लाइट, मुझे पता है कल ही उड़े थे। फिर हाँ जी अपन जा रहे हैं वियतनाम, मैं सोच रहा हूँ एक एक दिन एक एक स्ट्रीम करके खत्म करते, 30 दिन लगेंगे तो खत्म होने। और बताओ सीना भाई क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया भाई, कुछ भी हो जाए ठंड में गैस मत करवा लेना अपना। सुबह से सबको यही बोलते हैं। आपकी आवाज मेरे को धीरे आ रही है। पाजी मेरी कल से उतनी है, आपका कुछ अभी भी चक्कर है महाराज। आपकी आवाज ही कम आ रही, गेम की आवाज तो सही आ रही है मेरे को। फिर वही ना, आपको डिस्कॉर्ड की कुछ कम आ रही है। फिर से डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है, आने क्या लो क्या। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गैस हो रखा, बाकी सब तो सही है। Ground Twitch 32072 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Twitch 32072, your request has been transmitted to the operator. मैंने ब्रेक मार के पुशबैक रोका। चिकन खा लिया था क्या? कल रात को ज्यादा हो गया था, पहले तो मिक्सचर मोड़ी चला अपना, फिर उसके बाद हुआ लिट्टी चोखा, फिर उसके बाद हुआ अंडे के साथ रोटी छे। दबा के खाओगे तो दबा के तो गैस निकलेगा ही, एक ही प्रॉब्लम है साला, इसको सिलेंडर में भर नहीं सकते। बढ़िया बच जाता अपना। हाँ क्या बोले भाई? पर भाजी बोल रहे हैं कुछ, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा ओए होए। चिकन में खाता नहीं, चिकन मेरे को जमती नहीं है, सिस्टम बॉडी एग्री नहीं करती चिकन के साथ, बल्कि उससे हैवी चीज खा लेता हूँ मैं, उसको ठीक हजम हो जाता है। अच्छी बात पता है क्या हुआ, इसकी वजह से गैस तो मेरे को ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से अच्छी बात ये हुई कि मेरी कमर दर्द नहीं हुई। मतलब ठंड की वजह से ना कई बार मेरे को कमर दर्द हो जाती है रात को सोने के टाइम, जब सुबह उठता हूँ ना तो कब पहले मेरा जो चेयर है उसमें बैठ के अपना कमर टेढ़ा करना पड़ता, तब जाके वो दर्द बंद होता।
कल रात को हजमोला भी खाया था पर हजमोला काम नहीं किया भाई। हजमोला बोला सारा तू इतना बच दबाएगा मेरी गलती है तेरे को गैस हो गया। एप्स डाल देता हूँ एक। बाजी क्या कर रहे हो बाजी? अब ढकार है तो आएगी ना। यही चलना है आपका स्ट्रीम पे? अरे अरे अपने ही तो स्ट्रीम है, अपने लोग ही देख रहे हैं। अपने लोगों के सामने स्ट्रीम जो तो है पर अपने 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 लोगों के सामने जब बंदे पादने से नहीं शर्माते तो मैं तो ढकार ही ले रहा हूं। सिंपल सी बात है, आपकी स्ट्रीम पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे ना तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल कोई नहीं होगा स्ट्रीम करते वक्त। मैं तो भाई खाने खाने बैठ भाजी, जाता भाजी कंफर्टेबल इज वन थिंग बट अलग लेना। हूँ। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पर मैं भी कौन सा नंगा बैठा हूँ कंफर्ट के नाम पे। अब ये तो इनवॉलेंटरी है, जैसे आपका छींक इनवॉलेंटरी आ जाती है डकार भी। अरे बाद के लिए बचा के रखता हूँ, अभी गिरा था नहीं। फाला चूरन, पहले तो आप ये बताओ कि त्रिफाला चूरन क्या होता है। रेड पी के डकार तो आएगी। वही तो, ऊपर से गैस हो रखी है तो और ज्यादा डकार आती है। और स्प्राइट का अगर देखो, ये आपका जब गैस होता है और आप जब कोई दवाई लेते हो उसकी, जैसे इनो ले या फिर आपके हिसाब से जो स्प्राइट है, क्लियर ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक आपका, वो लेने के बाद अगर डकार ना आए तो इसका मतलब आपका काम नहीं बना है। होता तो है एक चूरन मार्केट से मिल जाता है इधर, पाचन क्रिया के लिए ना। ये गैस का प्रॉब्लम मेरे को ना कभी कभी होता है और ठंडी के टाइम पे ही ज़्यादा होता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अपने फाइपर पाजी को गैस होती होगी तो कैसे संभालते होंगे। पाजी आपको जब गैस मुझे होती है तो रम पीते हो कि विस्की। बस ऐसे गैस नहीं होती, बहुत कम होती है। कम तो मेरे को भी होती है लेकिन मैंने अब इतना गंदा खाया तो फिर गंदा तो होना ही है। वो अलग बात है कि अगर आप मेरे से ज्यादा गंदा खाते हो तो अलग बात है। रनवे काफी मतलब टैक्सी वे काफी लंबा है, पहले पिछले 5 मिनट से टैक्सी ही कर रहा हूँ मैं, जबकि मैंने क्लोजेस्ट टू द रनवे लिया था। मैंने पता नहीं, मैंने कभी वेट पूछा नहीं है किसी का, क्या क्या करना। अभी तो वेट बहुत पाजी ने कम कर लिया है, शाम को इवनिंग वक्त जाते हैं ना तो पाजी का वेट बहुत कम हो गया है पाजी। अभी अभी आपका करंट वेट कितना है? नाइनटी पहुंचे, एक अब पहले कितना था जब आपका बीमारी सब सौ चालू दो हुआ था? हाँ 102 102, मतलब आपने कुछ 12 किलो कम किए हैं। और हाइट कितनी है आपकी? 6 फीट 6 फीट के हिसाब से कितना होना चाहिए, 80 किलो?
भाई मैं 5 फुट 10 इंच हूँ और 120 किलो से ऊपर हूँ लेकिन रीजन भी है ना मेरा 80% ये है बॉडी मास मसल है, तो मैं अगर कितना भी कम कर लूँ मेरा 90 किलो से कम नहीं होना वेट। अजी मेरा बिल्ड जो है ना वो आप अगर कभी सामने से देखोगे ना पेट ही निकला हुआ है मेरा, अपना जो कट बनता है ना वी शेप बॉडी का वो है मेरे पास पहले से ही, बस नेचुरली है अपना पेट ही निकला हुआ जो ज़्यादा निकला हुआ है, और मेरा बिल्ड है आपका उसकी तरह पावर लिफ्टर जैसा, जो वेट उठाते ना पावर लिफ्टिंग करते हैं लोग, इसे बताने था ऐसे ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हैं ये सब हो सकता है सारे प्लान में, इसीलिए सारे सैंपल्स भेजे तो तुम नहीं जाओगे। आई नो एक्चुअल में जो उसका तुम्हारा एंड होता है ना तुम्हारा सेटिस्फैक्ट्री का, उसके एंड में तुमको गेम के थ्रू आउट द गेम तुमको हिंट देती है गेम कि भाई तुम एक ओरिजिनल ह्यूमन नहीं हो तुम एक क्लोन हो, तो लास्ट में क्या होता तुम्हारा कॉन्शियस को वो कैप्चर कर लेता फिर तुम्हारा वो नया प्लेनेट पे चला जाता, जब तक वो जाता तब तक एक नया ह्यूमन पायनियर बना लेते हैं वो, इसीलिए तो सारे जितने भी तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं वो तुम गेम में जितने भी दोस्तों के साथ खेलोगे वो सारे एक जैसे देखने में क्यों होते हैं, हाइट और सब कुछ एक जैसा क्यों होता है, क्योंकि तो वो क्लोन्स होते हैं। देखो गाइस मैं जो स्पीड पे अभी चल रहा हूँ ना उस स्पीड पे ही तुम्हारा टैक्सी होना होता है, फिर मेरा एक क्लोन चाहिए कैलकुलेटर का। हाँ कुछ भी और कुछ उससे अच्छा तुम इसका मांग लेते भाई एजेंट कार्टर का। अपने हो गया, अपने वो सिर्फ पानी निकाल। रीजन पता है ना कैप्टन अमेरिका क्यों पास्ट में गया था दो बड़े बड़े रीजन थे कैप्टन अमेरिका के पास। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको ऐश्वर्या राय बिपाशा बस थोड़ी पसंद आती, किसी किसी को आलिया भट्ट भी पसंद आती है। कौन है जल्दी बताओ, हाँ? कौन है वो जल्दी बताओ। अपने चैट में ही एक चौथी ना भाई बोले बोले उनको वो बोल रहे कि मेरे को एजेंट कार्टर वाली जो हीरोइन है वो पसंद नहीं है, मेरे को आपका वो गैल गैडोट पसंद है, तो मेरे को एक गैल गैडोट का क्लोन चाहिए Tower Twitch 320732 ready for IFR departure runway 01 right. Twitch 320732 altimeter 29er decimal 83 wind 351 at 4. Cleared for takeoff runway 01 right. Set it. Brakes max. और क्या सेट करना पड़ता है, एक बार मैं फ्लाइट प्लान चेक कर लेता हूँ, क्यों चेक माई फ्लाइट प्लान, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई Twitch गड़बड़ नहीं। 320732, please acknowledge. आई सॉरी एक्नॉलेज करना भूल गया। Cleared for takeoff runway 01 इसमें right. इसका मूवी आ रहा है ना, उसमें सेंटा के आर्मी मांग लेंगे वर्चुअल स्पाइरल बीम,
गलगुलट का मॉडल बना देना वो याद है पिक्सल मूवी, याद है पिक्सल मूवी में वो जो गेम्स का मॉडल बन के आते हैं वो लड़की बन जाती है रियल लाइफ अभी रेड वन आया क्या? आई थिंक आ गया शायद नया उसका जो मूवी है, रॉक का मूवी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। प्लीज गेट टू योर सीट्स, पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स, विल बी टेकिंग ऑफ इन अ सेकेंड। वो टेक ऑफ चेकलिस्ट में है ही नहीं, हम क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं। लो टेक ऑफ करते हैं फिर। एटीसी को दे दिया को पायलट को, फुल थ्रॉटल ऑन। रोटेट लैंडिंग गियर्स अप, फ्लैप्स अप। ट्विच 320732 कांटेक्ट डिपार्चर ऑन 119.25। गुड डे। 1000 feet अचीव, ऑटोपायलट ऑन। गोइंग टू 119.25 ट्विच 320732। Departure Twitch 320732 is passing 1,500 feet, climbing 9,000 feet. What's the constraint on this flight space? Twitch 320732, departure over 1,650. Radar contact. Continue to peep up. Hey, what is 10,000 feet? Pe. Hey, iske paas to clearance bahut zyada hai. नहीं, मैं आराम से लिफ्ट ऑफ कर चुका था, मेरा पीछे का प्लेन उठ गया था, उसके बाद वो जब मैंने लैंडिंग गियर उठाया ना 200 फीट के ऊपर हाइट जाने के बाद, तब वो क्या करता, प्लेन मेरा को पायलट फ्लैप्स भी ऑफ कर देता है, तो जैसे ही फ्लैप्स ऑफ करता है तो वो लिफ्ट का एंगल चेंज हो जाता है, तो वो प्लेन ज़्यादा ऊपर एंगल घूम जाता है। गेम का साउंड थोड़ा कम करते हैं। अरे मैंने वैसे ही पूछा है। हाँ होता है ना, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से आप क्लाइम करने की कोशिश करोगे तो आपका टेल स्ट्राइक होगा ही होगा। अच्छा कितनी, अच्छा सॉरी सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, इसके कितनी एंगल ऑफ अटैक पे टेल स्ट्राइक होता है। ये तो वाइपर बाजी का सबसे अच्छा पता होगा। वाइपर बाजी, व्हाट्स द मैक्सिमम एंगल की टेक ऑफ के टाइम पे आप कर सकते हो जिससे आपका पीछे टेल ना सटे जमीन पे? 30 डिग्रीज, मतलब एकदम जमीन पे होते तब तेजी से 30 डिग्री के एंगल तक जैसे पहुंचते हैं उतना एंगल। हाँ और टेक ऑफ कर लिया आपने 200 फीट, उसके बाद सीधा लाइन में जब जाना होता है 1000 फीट के लिए तो कितना एंगल मेंटेन करना है आपको? डिपेंड करता है, बहुत सारे टिल्टेड एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ अटैक आपका 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक रहता है। अगर ज़्यादा रैपिडली क्लाइम करना है तो थोड़ा तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, एंगल 20 डिग्रीज करना पड़ेगा तब तो फ्यूल बर्न होता है ना।
फ्यूल पे भी डिपेंडेड है कितनी देरी से आप जा पाओगे, क्योंकि अगर 100% फ्यूल है तो बाजी आप उतना नहीं एंगल का क्लाइंब पे कुछ भी कर लो, एक स्पीड है आपको मिलना नहीं है। जेट्स पे 30, 10 पे टेल स्ट्राइक हो जाता है। डिस्क की लेंथ भी तो कम होती है ना। मैं इधर किधर जा रहा हूँ, अपना तो ऊपर की तरफ प्लान है। वियतनाम जाऊंगा, वियतनाम के बाद वाली जो फ्लाइट है गाइस वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है अपने लिए। वियतनाम के बाद वाली फ्लाइट में हम जा रहे हैं हांगकांग, हांगकांग से फिर हम जाएंगे ताइपे, ताइपे से फिर हम जाएंगे टोक्यो जापान। एयर फ्लो वेदर इंजन प्रोपल्शन वेरियस फैक्टर है, इंजन आपका वेट आपका लेंथ बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। 29 का पिछवाड़ा ही बहुत बड़ा, वाई वाई वायर भी नहीं है। फाइटर जेट्स आपके इस गेम का पर्पस आपका फाइटर जेट्स का नहीं है, आपका इस गेम का पर्पस आपका है DCS में आप खेल जाओगे तो आपको फाइटर जेट्स का ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो कमर्शियल प्लेन्स का मज़ा लेने के लिए, छोटे छोटे प्लेन्स जो टर्बो प्रॉप प्लेन होते हैं उनके मज़े लेने के लिए गेम बना है। ये क्या है बे, दो अलग अलग फोटो है, देखो गाइस देख रहे हो, दो अलग अलग फोटो को स्ट्रेच किया गया, दो अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस हैं या फिर एक ही, नहीं एक नहीं होगा क्योंकि ये बीच में कटा है। मैं फ्लाई बाय वायर यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली होगा नहीं वो। भाई 17,000-19,000 पे पहुँचा, सीधे बोलती 31,000 पे जाओ भाई, तर जेट समझ के रखा क्या मेरे को? पंद्रह हजार पहुँच गया तो ये लाइट्स को ऑफ, ये मैं हर बार सोचता हूँ भूल करूँगा लेकिन मैं भूल जाता हूँ पायलट्स को चेंज करना। मैं हर बार सोचता हूँ कि पायलट को मेल फीमेल वाला चेंज करूँगा बट मैं हर बार भूल जाता हूँ। तो मेन पायलट अपना जो है वो आपका लेडीज है और को पायलट इसमें मेल जेंट्स है। पता नहीं फॉर सम रीज़न ना इसमें ना इस गेम में मेरे लिए, क्योंकि मैं इजी मोड पे खेलता हूँ तो ये गेम जो है ना आपको 18,000 का ही एल्टीट्यूड ट्रांस एल्टीट्यूड देता है हर जगह का। अब जैसे 18,000 क्रॉस करते हो वो बोलता है कि भाई स्टैंडर्ड पे चले जाओ, बैरोमीटर चेंज करो रीडिंग हर जगह पे। और बताओ सीना भाई, आपने कौन सा सिमुलेटर गेम सबसे ज़्यादा खेला है? DCS, MSFS या फिर कुछ और? MSFS आपको लेना था ना बोल रहे थे। आर्मा, आर्मा सिमुलेटर गेम है? मैंने आर्मा खेला नहीं था, आई हैव नो आइडिया। अरे पड़ी थी आर्मा 2 या आर्मा 3 पता नहीं, उन एक ही आर्मा है मेरे पास। फ्लाइट सिम मैंने DCS के अलावा कोई नहीं खेला। आर्मा मिलिट्री सिम जैसे आपका स्क्वाड हो गया, EFT हो गया। समझ गया।
वेट, मैं 27,000 फीट पे वेट कर रहा हूँ। 27,000 फीट पे मैं अपना इसको नॉट्स से इस पर चेंज कर दूंगा। अभी बहुत बड़े जंगल के पैच से जा रहे हैं अपन, माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे। थोड़ा बहुत स्क्वाड खेला है मैंने, थोड़ा बहुत EFT खेला है तो मुझे पता है। मेरे को रैम बढ़ाना है, अपना रैम बढ़ाऊंगा ना उसके बाद स्क्वाड और EFT दोनों अपन आराम से खेल पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब गेम मैं ज़्यादा खेलूँगा, पर खेलूँगा। मेरे को स्नो रनर गेम ज़्यादा, फिर फोर्जा हो गया, MSFS हो गया, फार्मिंग सिमुलेटर, ये सब जो चिल गेम्स है ना ज़्यादा वो पता है। अभी 16 GB रैम है, 16 GB रैम के साथ स्ट्रीम भी करो ना, सिंगल PC है तो ज़्यादा रैम यूज़ होती है। ओके, वी आर क्रॉसिंग 27,000 फीट, आई मीन अप्रोचिंग 27,000 फीट। फीट्स को मार्क में चेंज करो एंड ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाना है स्पीड, फिर अपने आप बंप होगा वो 0.80 मार्क पे। अब जो मेरे टॉप लेफ्ट में देख रहे होगे ना, वो स्कैन करोगे तो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी मेरे, जहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो कि मैं कौन सा रैम लेने का सोच रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। मैं PC बिल्ड करूँगा सीधा, 128 GB रैम रखूँगा आर्मा मोड्स के साथ, बहुत रैम भी होता है भाई। 128 GB रैम का क्या करोगे, 64 लगा लो, 64 भी अभी ओवरकिल है, 32 GB अब स्टैंडर्ड हो गया भाई। देखो आप कितना भी रैम लगा लो, सबसे बड़ा डिपेंडेंशन आपका होता है आपका प्रोसेसर। अब जो प्रोसेसर लगाओगे ना उसके साथ ही आपका वो बेस्ट सूट होना चाहिए। भाई 12 बज रहे क्या? हाँ आई थिंक 12 बज रहे होंगे, तो 11:40 हो रहा है क्योंकि भाई सर के ऊपर आ रहा ना लाइट। क्लाइम एंड मेंटेन फ्लाइट लेवल 370 ट्विच 320732। 9 नॉट्स की विंड है अपने पास, अति असर ऊपर से मैंने 100 से ज़्यादा मॉड्स ऑन कर रखे हैं, बट अच्छा ही है यार। 750 800X या, बट उसका मैक्स रैम सपोर्ट कितना है? अभी तो भाई मैंने देख जितना सुना है, जितना मुझे पता है, आपका 40 सीरीज के कार्ड्स ने एनवीडिया बनाने बंद कर चुका है। इतना ज़्यादा स्पीड कैसे बढ़ गया? ₹80 पे कैसे चला गया तू? ईज ऑफ कर ले भाई तू, लोग समथिंग रॉन्ग विथ माई PC अगेन, ऑटो थोड़ा सही से काम नहीं कर रहे हैं। 10 नॉटिकल माइल क्रॉस विंड आ रही है तो मैं ओवर स्पीड क्यों हो रहा हूँ? मैंने स्पीड कम कर दिया फिर भी हाँ धीरे धीरे हो रहा है, काम कर सकते हैं। क्लाइम एंगल बढ़ाओ साला, क्लाइम एंगल ज़्यादा दूंगा ना तो वो
अब पीसी बिल्ड थोड़ी करोगे, पीसी अब अपग्रेड करोगे ना फिर। क्या पता अगर ऑलरेडी राइजन 7 5800X पड़ा है तब पीसी बिल्ड थोड़ी करोगे, नया पीसी के लिए अलग से लगता है भाई उसमें। अब अपग्रेड कर लो करंट वाला ही, और क्या मुझे टेलविंड है क्या अपने को 135 दस नॉट की टेलविंड है स्लाइट। नहीं बिल्ड ही करूँगा, बस सीपीयू यूज करूँगा ये वाला। अच्छा मेरे को मदरबोर्ड भी चेंज करना है, जीपीयू भी, पीएसयू। मदरबोर्ड का क्या इशू है आपका? अच्छा एक ही NVMe स्लॉट है। मैं अभी अगर सिर्फ अपना प्रोसेसर और रैम अपग्रेड करूँ ना, मेरा सेट गोल्डन है। बस मेरे को पीसी में मेरे को जो चेंजेस करने हैं, रैम, प्रोसेसर एंड कूलिंग, ये तीन चीज़ चेंज करनी है मेरे को बस। मेरे पे 750 वाट का पावर सप्लाई है, 3060 Ti है और X570A Pro मदरबोर्ड है जिसमें डुअल NVMe स्लॉट है, तो उसमें काम चल जाएगा। अच्छा आपने फिर बहुत पुराना मदरबोर्ड लिया लगता है, एजरॉक का लगता है आपने लिया सपोर्ट के, 32 GB का रैम सपोर्ट है। अगर मैं फिर से ओवर स्पीड चला गया, अरे मैंने जी कर ले तू कर। क्या नौटंकी है बे? Wait, what the overspeed, 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 एयरको पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। रेटिंग दो। हाँ यार जी, मेरा प्लेन मैनेज स्पीड में भी ओवर स्पीड क्यों हो रहा है? ऑटो थ्रॉटल कैसे बंद हो गया अपने आप? डिसेंड एंड मेंटेन फ्लाइट लेवल 370 ट्विच 320732। ओवरस्पीड, 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 ओवरस्पीड। मार्क 83 तक जा रहा है अभी ये। Asus का है। हाँ फिर Asus का Azeroc होगा फिर अपना। नहीं Asus का अलग भी तो आता है। अभी नीचे जा रहा है। कल से इशू हो रहा है ये वाला ना, स्पीड मैनेज हो रहा है ऑटो पायलट से, ना ही हाइट।
यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं 13,000 7,000? बट देयर इज अ वियर्ड रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर वियतनाम के ऊपर. तो ऑटो थ्रस्ट ऑन है फिर भी ये प्लेन जो है ना 0.1 की एयर स्पीड आगे जा रही है. एल्टीट्यूड मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? तेरे को क्या लग रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बट हैवी एज वेल, वेट जितना होता है उतना ही है. तो फिर भी हाइट क्यों नहीं? 36,800 जाने के बाद फिर नीचे क्यों आ रहा है भाई? ना स्पीड लूज हो रहा ना कुछ, फिर 200 फीट की स्पीड से नीचे आ रही है. गड़बड़ है प्लेन के साथ आज. काम करता हूँ थोड़ा नीचे जाता हूँ. I don't understand why is it struggling to get 37,000 feet. Twitch 320732, you are 900 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level 370. Climb and maintain flight level 370, Twitch 320732. मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा भी क्लाइम कर गए.
Switch 320732. Please expedite your climb. Flight level 370. Oh, right. The Bix. Switch 320732. Please expedite your climb. Flight level 370. अरे नहीं जा रहा मेरा प्लेन माँ. क्या करूँ मैं इसको? Bangkok Center, Twitch 320732. Request flight level 360. Twitch 320732, descend and maintain flight level 360. Descend and maintain flight level 360, Twitch 320732. इतनी सारे जा ही नहीं पा रहा. जैसे छत से 700 पर क्रॉस कर रहा, फिर वो नीचे की ओर डिप करने लगता है प्लेन. एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं हो रही है इससे. जॉयस्टिक नीचे की तरफ क्यों है जगह? Bangkok Center, Twitch 320732. Request flight level 370. Twitch 320732, descend and maintain flight level 370. Descend and maintain flight level 370, Twitch 320732. I still wanna climb this one. Decimal 1, Twitch 320732. Goodbye. Bangkok Center, Twitch 320732 is at flight level 375, descending flight level 370. Twitch 320732, to Bangkok Center radar contact, continue to Turco. ये क्या प्रॉब्लम है तेरे को प्लेन? सीट को भी मैनेज कर रहा है क्या? फ्लाइट को भी मैनेज कर दे रहा है. मेरे को ना कुछ ट्रिम का इश्यू लग रहा है.
नहीं, कुछ कंट्रोल में इशू था भाई, ये 7000 मेंटेन ही नहीं हो रहा था, उस पर उसी की तरफ पुश किया जा रहा था प्लेन। थोड़ा सा मैंने वो लॉकडाउन किया ना तो सही हो गया उस पर। इसलिए मैप ग्लिच हो गया। दैट्स नॉट अ रिवर, देन इट्स माउंटेन रेंज आई बिलीव। FSM BFR मैप मेरा काम करना बंद करिए। कोई बात नहीं, अपने हाथ देख ही सकते हैं। हनोई सिटी के पास जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गाई लैम एयरपोर्ट। हनोई एयरपोर्ट है ही नहीं वो, हनोई सिटी के एयरपोर्ट दूसरे साइड पे है। आज कंबोडिया में सेंटर बैठा है। अच्छा, इसे सिटी है वियतनाम कंट्री। यहाँ से अपन जाएंगे हांगकांग के लिए, अगली फ्लाइट है हांगकांग से फिर ताइपे, ताइपे से फिर जब टोक्यो जापान। तो वहां से होंगे पापा गिनी गिनी के लिए।
Hey, welcome back. Yes. Please excuse me, I don't mean to be the drunk and not in love with you. 1-2-8-3-2-0-7-3-2. Goodbye. Dantian Center, Twitch 3207-32, flight level 370. Twitch 3207-32, Dantian Center, radar contact, continue. डाउनलोड नहीं करा हुआ, 500 घंटे हैं अपने पास उस गेम में, बट अपन खेले नहीं, डाउनलोड नहीं। उसका नया डीएलसी है ना, उसका बाय करेंगे फिर खेलेंगे अपन। मेरे को तो यू ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा मैप्स है आपके पास। अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर मैंने उतना खेला नहीं है।
ग्लिच हो गया का जो VFR में, फिर ना ऐसे हटाना पड़ेगा अपने को। थोड़ी देर में अपना डिसेंट चालू हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर द डिसेंट देन एंजॉय द व्यू गाइस। हेलो, कैसे हो? कैसे? सब बढ़िया, बताओ क्या सीन है? मैं भी खेल रहा हूं ना। आजा, मैं तो भी एयरक्राफ्ट टेस्ट कर दूं। कौन सा? RJ-70। कौन सा? RJ-70 देख ले, देख के पता लगेगा तुझे। हां ठीक है, मैं तो ले लेके आया हूं FBW वाला। उरे उरे, ये उड़ेगा? क्यों नहीं उड़ेगा, उड़ा रहे हैं बहुत सारे बंदे। मैं अपने दो इंजन लेके आ जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। अभी तो बस इसका इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे ये स्क्रीन पॉज हो गई क्या? मेरा लैपटॉप पागल है। नहीं नहीं, चल रहा है, इंजन टू स्टार्ट कर रहा हूँ, वन स्टार्ट हो गया। हाँ वो दिखता रहा है ऐसा, वो इसका लग रहा है, वो जंप करते हैं ना पैराशूट लेके, उसका लग रहा है। मैंने इजीजेट का और लुफ्तांसा वाला लिवरी डाल कर, मैंने कल इंस्टॉल किया था गेम, रात में वापस इंस्टॉल किया। वो फ्रेंड ने GTA 5 खेलने बुलाया था ना मेरा कॉलेज का 11 वाला, तो GTA 5 गया, तो वो कल नहीं आया ना, तो गुस्से में मेरा अनइंस्टॉल कर दिया, फिर आज वापस कर। ये बुड्ढे का बर्थडे है आज, तो वो बाहर ही रहेगा, तो खेलेगा नहीं, तो मैं क्यों डाउनलोड कर दिया। इथरनेट लगाने से इंटरनेट अच्छा आएगा क्या? वो तो अभी सोच।
इथरनेट लगा दूं क्या? मेरे पास है केबल, ये ना एयरटेल का सीधा मेरे लैपटॉप के ऊपर राउटर है सीधा, मैंने मेरे रूम में ही लगवाया है लगता है। मुझे ना पाजी परसों पता चला लैपटॉप में इथरनेट, वो इथरनेट वाला पोर्ट है ना नीचे खींच के लगाता कोई है मुझे पता ही नहीं था। नहीं, मैं पागल हो गया था इंटरनेट पे लैपटॉप केबल को इंटरनेट लगा के देखता हूँ क्या फर्क है। Should be starting our descent after some time. तो छोटी छोटी फ्लाइट से फ्लाइट करके मैं गेम का बंद है। पर एक स्टोरी मोड गेम ट्राई करना है अपने को, डाउनलोड पर लगाऊंगा, 10 GB का है। अच्छा घंटे की फ्लाइट में इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको? तो यो यो ये ढोल बाजे हैं दंदा दाए नगर अरे भैया से। ये देखो ये देखो, देख रहे हो? नहीं रुको, देखो जल्दी आपको एक लैंडिंग दिखाता हूँ। अरे पाजी, मैंने ना एक बार मुंबई से, तो मेरा ये होम टाउन वाला है, एक मिनट
ये कंट्रोलर से लैंड किया था मैंने। नाइस बढ़िया सेट। बस अब इंटरनल व्यू में लैंड करना शुरू कर दो। ये वाला ना बंद कर देना ये हाइपर ट्रैवल। रियल में रियल तो इंटरव्यू है ना, बात को थोड़ा देखता पहले। अरे ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये है ट्रैफिक बंद कर देना। अरे ये वाला लैंडिंग देखो, मजा आएगा बहुत भाई। इतने नीचे देखो, उतरेगा ही नहीं प्लेन, उल्टा रहेगा। इंटरनल व्यू चला गया तभी तो होता है, क्योंकि तो हॉरिजॉन नहीं देखता ना। फ्लोट कर गया फिर जा रही थी अभी भी नहीं, बाद में मार के उतारा मैं। बहुत ड्रिफ्ट मार रहा था रन। ये सब बंद करो ना। हाँ, इंडियन ट्रैफिक एआई बंद कर देना। और ये वाला है ना, ये हमारा बेलगाम वाला एयरपोर्ट में उतारा और रुक ही नहीं रहा है, घर चला गया उधर। लास्ट में रुका जाके, रुका ही नहीं, इतना सा तो एयरपोर्ट है। मेरे मेरे घर के सामने जो लाइन है ना, उतना ही लाइन है। बहुत छोटा एयरपोर्ट है। उस सिंगल वाला देख नहीं रहे हो, वो लैंडिंग स्ट्रिप कितना छोटा है, वो उसके स्ट्राइप से पता चलता है आपके। हाँ, एक सिंगल स्ट्राइप थी उसमें। हाँ हाँ, अरे बहुत छोटा है। मैं भाई बहुत छोटा एयरपोर्ट है, प्लेन उड़ता ही है, वही भी बात है। छोटे एयरपोर्ट पे प्लेन उतारने की बात मत करो, अपन A320 को लुकला उतार चुके। वो उतारने के बाद जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम ना रही नहीं है, लेकिन अपन ने उतार दिया लुकला में। वाले उड़ता है A320? नहीं, अरे बाबा वहां से टीवीआर उतरते हैं। हाँ, टीवीआर और बी। हाँ, ये प्लेन अब इन गेम में ये क्या बाहर से ले लिया है? बाहर से इन गेम है पैसों का। हाँ हाँ, देखा है देखा। पता है गाना वाना बज रहा है, मेरे को सीट बाई की आवाज अभी ठीक आ रही है। आप वाइपर बाजी की फिर भी खराब आ रही है। अब मजे की बात ये होगा कि सीट बाई के वाइपर बाजी की आवाज सही से आ रही होगी। एक मिनट मेरा लैंड ठीक कर, असड़ हो गई है बहुत यार। एक मिनट पॉइंट के बाद अपना रिसेंट चालू हो जाएगा। तो बंद ही नहीं किया 1.5 घंटे की फ्लाइट के लिए, क्या बंद करना है अपने को? फील्ड कॉल साइन
प्लेन ट्रक जैसा आवाज क्यों करता है? वो तो दिख रहा है। फुल फ्लफ मारे क्या? नहीं नहीं फ्लफ वन लेटर वन चल रहा ना। हाँ राइटर वन ये भी चल रहा। जॉन सीना भाई अपना एक अगर स्ट्रीम पे हो ना अभी भी तो अपने दोस्तों के साथ चैनल पे शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी 50 फॉलोअर पे दोबारा से पहुंच जाए। एनवीडिया का वो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड आया था ना पूरा बदल गया इंटरफेस उसका या का वहां हो गया 3-4 दिन हो गया है। हां हां I'm not asking you to descend. Bug to new again, it isn't. Pune mein ho gaya? Nahi nahi. Nahi nahi. Ye game ke flight wala. हाँ मैंने कहा ये कहाँ से पुणे में हो गए? हम तेरे पे हैं मैंने तेरे पे लिखा है मेरे आँखों में बरसात की तरह हम तू दिल्ली में जगह दे जाने बहाने बस कोई नहीं आने वाला मिट ताजी ये साइबर बार में इसमें नहीं जा सकते क्या पैसेंजर इधर तो ये लग कुछ आ जाता हूँ 2:35 पे आया था दरवाजा खुलता ही नहीं है। अजीब सा है जरा। Request flight level 270. Twitch 32073 to descend and maintain flight level 270. Ending flight level 270. Descend and maintain flight level 270. Twitch 32073 to. मैं वो descend का वो arrow दिखाता है ना वो इसपे। वो मैं वही 7000 कर देता हूँ उतरते रहेगा फिर आराम से। एयरपोर्ट आने तक 7000 पे आ जाते हैं। Vientiane Center Twitch 32073 to. Request flight level 230. Twitch 32073 to contact Hanoi Center. आज कहाँ से कहाँ जाना है? अभी तो ऐसे ही कर रहा हूँ बाद में देखते हैं अभी कहाँ जाना है। 125.9 Twitch 32073 to. Runway exit lights on. Hanoi Center Twitch 32073 to is passing flight level 355, descending flight level 270. Hanoi Pers HA, seatbelt sign on, flight deck lights on. Hanoi Center radar contact, continue to Charlie. Flight deck light on, PVR on. Twitch 32073 to descend and maintain flight level 270, expect flight level 230. Logos off, lights off. Descend and maintain flight level 270. Expect flight level 230. Twitch 32073 to. Which is 2:30. Question my baby. तू ना रहे कोई दस चलो मेरे इसको इसका डिसेंट है 13,000 12,000 दो डी तो अच्छा 12,000 से नीचे नहीं आना 13,000 से ऊपर नहीं रहना फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन इतना स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन 12,000 से नीचे 13,000 से ऊपर नहीं रहता। Hanoi Center Twitch 32073 to. उसमें दो डी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 13,000 12,000 इतने पास descend and maintain flight level 270 expect 13,000 feet Twitch 32073 to needs drag stuff of course needs drag
ये वाला गाना बहुत दिनों के बाद बज रहा है। अभी 13,000 के लिए क्लियर किया, फिर मेरे को बोलता है 15,000 पे जाओ। एटीसी पागल है। हाँ इन गेम वाला ना अजीब है वो, इन गेम वाला जरा बंदा है। मैं अभी उड़ाता हूँ ना प्लेन, रनवे से टेक ऑफ करता ना, तो मुझे बोलता है यू वर नॉट क्लियर टू टेक, चुप अभी उड़ गया। वो मांगना पड़ता ना ट्रैफिक से, आवर से। हाँ जब होल शॉट करोगे तो आपको ऑप्शन आता है टावर लॉग इन करने का, टावर लॉग इन करके आपको वहां से मांगना पड़ता है उससे। वो यहाँ से क्या, वो गेम वाले एटीसी से क्या? हाँ हाँ करता हूँ रुको, ये बोलता है यू वर नॉट क्लियर टू टेक ऑफ, बट अगर उसको यूज नहीं करना तो उसको बंद कर दो। हाँ वही करना पड़ेगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट करके देता है ना मुझे, वो अपना स्कॉम कर ये सब वो तो आप ई आई से। सेट कर सकते हो अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसीज। बियॉन्ड एटीसी भी आता है जो बंदे यूज करते हैं, बहुत सारे बंदे जो आपका इस एटीसी तो बेटर है। तो जी चला ना जल्दी जल्दी साउथ वेस्ट वाली कर दो, स्पिरिट वाली टैक्सी कर दो। देखो यहाँ 12-13 हज़ार का है, इसके आगे वाला 11,000 है, उसके आगे 14,750 का रिस्ट्रिक्शन है। आप अभी भाई आप गेम वाला फ्लाइट ये वाला यूज करते हो, फ्लाइट प्लान बना के आते हाँ वो इन गेम वाला फ्लाइट प्लान यूज करते हो या टेम्परेचर से? क्योंकि मैं एटीटी डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा इन गेम वाला ही फ्लाइट रहता है, लेकिन मैं सिम ब्रीफ से प्लान बनाता हूँ और उसमें फिर अपन एडजस्ट करते हैं कि वो जो सिम ब्रीफ का प्लान दिया है उससे मैचिंग रहे। कई बार होता है कई बार नहीं होता, जैसे अभी वाला जो अप्रोच है वो सिम ब्रीफ वाला अप्रोच है। वियतनाम में जो उतर रहा हूँ मैं, I am the Raja. Twitch 32073 to descend and maintain 13,000 feet. Descend and maintain 13,000 feet. Twitch 32073 to. I'm going to change. एयरपोर्ट है अपना, मिनिमम एल्टीट्यूड क्या है, आई मीन एयरपोर्ट का एल्टीट्यूड क्या है अपना? ओ भाई इतना लाइन भी किताब से फॉलो कर रहा है, बहुत बड़ा था। एयरपोर्ट में अभी 10 फ्लाइट आने वाली है, 10 बंदे आए हैं, लाइव ट्रैफिक है, 3 अराइवल है, 4 डिपार्चर है। जिंदगी में आई सबसे लाइफ ही बदल गई, तुम दुखा हुआ हुआ। 0 degree 4 knots VFR। तो मैं दिल पूछा गया, हाइट नहीं बता रहा कहीं पे भी, ग्राउंड एलिवेशन कहीं है ही नहीं। एक बंदा 10 फ्लाइट मार चुका है यहाँ पे,
अभी कितना विंड है अपने लिए? ऑटो पायलट की नहीं एंगेज हो रहा, चेक करना पड़ेगा इस ऑटो पायलट का क्या चक्कर है। 8 नॉट की है अनु, ऐसे तो क्रॉस हो करेगा नहीं वो उसको। प्रिय भाई जेड से मारना वाला साइड जैसा मैंने बनाया है, यहाँ से ऐसे घूमेगा ऐसे छोटा सा टर्न लगाएगा फिर करेगा। Hanoi Center Twitch 320732. Request 11,000 feet. Twitch 320732 descend and maintain 11,000 feet. Descend and maintain 11,000 feet, Twitch 320732. हाँ जो 10,000 कह रहे हैं 3,000 और। Hanoi Center Twitch 320732. Request 8,000 feet. Twitch 320732 descend and maintain 8,000 feet. Descending to 8,000 feet. Descend and maintain 8,000 feet. Twitch 320732. क्या हुआ, पॉज हुआ क्या? Approach on 121.0. Goodbye. Approach Twitch 320732 is passing 10,800 feet, descending 8,000 feet. भाई मेरे को याद है एक बार श्रीनगर के ऊपर से उड़ रहा था, 12,000 फीट पे था, 10,000 पे आ रहा था, जैसे ही वो डिसेंट चालू 500 फीट मैं बोला भाई हो गया टकरा गया पहाड़ से। लेकिन वो पहाड़ का एंगल ऐसा था वो 500 फीट के ऊपर से गुजरता है। अपने अपने A380 उड़ाया आरबीआई है? A380 उड़ाया क्या? डिफॉल्ट आया कहाँ है इसमें? हाँ फ्लाई बाय वर में है डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट आया है। वो मुझे पता है, तभी तो मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा गेम पे। ये गेम मुझे गिफ्ट में मिला है, मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया इसमें। अरे भैया लैग, ये एयरपोर्ट पे उतरना भी नहीं है तो पहले लैग दे दे मेरे को। अरे लैंडिंग के टाइम लैग होता ही है क्या? क्या मेरा ही होता है? नहीं सबका होता है, बस ट्रैफिक ऑफ कर लेना और बेटर हो जाएगा। कर दो जगह तो बहुत बड़ा है, तो रनवे इतना छोटा क्यों है बे? ये क्या ग्लिच है बे गेम का? ये रनवे ऐसा है कि ग्लिच है? देखो जनरल में फोटो डाल रहा हूँ, ये स्ट्रीम तो कर ही रहा था अभी तो क्रॉस हो गया मैं उसके ऊपर से, बट देखो ये बग लग रहा है। देखो भाई जमीन में इतनी जगह है तो भाई ये आधा रनवे क्यों बनाएंगे, जबकि दिख रहा है साफ क्लोज कि भाई इनने आर प्लान बना रखा है यहाँ तक का रनवे बनाने का।
flight level 180. Expect ILS Yankee runway 11 right approach by Upfront transition. Clear to Upfront. 18,000 रुपये यार पागल है क्या? नहीं जाऊंगा मैं, डर गया। मैं 8,000 पे आ गया तो 8,000 पे रहूंगा, 18,000 तो नहीं जाऊंगा। जाओ जो करना कर ले, मैं होता तो ऐसे ही बोलता। मैं नहीं जा रहा ऊपर, सीधा ऐसे बोलता। थोड़ी कम हो रही है, एक विंग फ्लैप देना पड़ेगा क्या? मुझे कोई दिखता ही नहीं है खेलते वक्त। अजीब सा है यार। सोच मैं अभी हैंड्स फ्लाई कर रहा हूँ, पता है? हाँ। तो दौड़ा रहा हूँ ये। ट्रैफिक, ट्रैफिक में रियल टाइम बंद करूँ क्या? हाँ बिल्कुल। एआई ऑफलाइन भी बंद कर दूँ? एआई ऑफलाइन कर दे बस। अगर तुझे मल्टीप्लेयर में दूसरे देखने। अच्छा उसे दूसरे दिखते हैं क्या? हाँ, और बस नेम टैग्स ऑन कर ले, उसके नीचे ही ऑप्शन होगा देख नेम टैग्स। मैंने तो AI ऑफलाइन भी बंद कर रखा, मुझे दूसरे प्लेन्स चाहिए ही नहीं। चाहिए अपन अपने लोग उड़ते हैं साथ में, बस उतना ही देखना है, बस ग्रुप में रहेंगे तो ही AI का डेंसिटी कम कर दिया पूरा। अरे जो एयरपोर्ट ट्रैफिक डेंसिटी है, बोट्स है, वो सब जीरो कर दे, वो किसी काम के नहीं होते हैं। ग्राउंड एयरक्राफ्ट डेंसिटी ले 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 बाणा में जा तू। 18,000 कर ले। एयरपोर्ट मेरे से 20 नॉटिकल माइल दूर है, बोल रहा अभी ये टेक ऑफ कर ऊपर जा। लाइव प्लेयर्स मल्टीप्लेयर में लाइव प्लेयर चालू रखूं क्या? नहीं भी रखेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप लोग दिखते हो नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है। बता देंगे ना, वो तूने नेम टैग्स बंद रखे होते हैं। नहीं ऑन किया वो मैंने, वो आप वहाँ पर रहते ना कि ऐड फ्रेंड की जगह वो ऑनलाइन कितने। अरे हमारा क्या सीन है, हमने जो सेटिंग कर रखा ना उसमें आप हमारे ग्रुप में रहोगे तो ही हमारा नाम दिखेगा। लेकिन मुझे उसका भी इनवाइट नहीं आता है, वो सीन है ना। मुझे एक बार इनवाइट करके देखो ना, आएगा तो आएगा। तू आ गया इन गेम? हाँ गेम में ही हूँ। तो फिर मुंबई एयरपोर्ट पे आ। आया मैं, ट्रैफिक ऑन रखता हूँ, देखूंगा तो मुंबई पे क्लोज आने के बाद दिखता है। नहीं आइए ऑन है ना, बोइंग ले, बोइंग ले खड़ा है क्या? हाँ कुछ भी लेके खड़ा है, देख इनवाइट आ गई होगी ऊपर कॉर्नर में, वो एक्सेप्ट कर लेना एयरपोर्ट पे स्पॉन होने के बाद। हाँ एक मिनट ना, बी मैं खड़ा रहूंगा, आप कौन से रनवे पे उतर? सिम की स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी पहुंचूं तेरे पास। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। Goodbye. Approach Twitch 320732 is at 10,100 feet, descending 8,000 feet. Twitch 320732, approach altimeter 29.9 for radar contact. Continue to CI-11R.
Overspeed. 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 Twitch 320732. You are 12 miles west of nearby. Contact tower on 118. Yeah, loading screen pe aa raha hai. अच्छा ऊपर उसके बाद कॉल करने के बाद इन गेम आके पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना उसके बाद अपना नेटवर्क देखना वहां से साउथ ईस्ट एशिया का 20% रेवेन्यू फ्रॉम दिसंबर टू चार्ल्स स्ट्रीमर एफिलिएट अच्छा अरे आप मेरे सामने चेते को एयरपोर्ट का चार्ट का प्रिंट पड़ा इन गेम आया हूं एम स्टूडियो का अभी क्या एस्केप दबा के ILS Yankee runway 11 right approach Twitch 320732 Southeast Asia assisted landing jaldi niche le gaya mere ko Southeast Asia par hi hai bas aa ja aur uske baad ek bar fir se escape daba setting pe ja general settings mein general options mein data pe ja ha wahan ek multiplayer on hai 6 number wala ha on hai na theek hai aa ja ऑन है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है ऑलराइट थोड़ी देर में दिखना शुरू होता है लुकिंग गुड एक मिनट बाद मैं लगा लेता हूं और मेरे से कीबोर्ड से नहीं उड़ेगा अभी मैं आरबी भैया नहीं हूं आया ग्रुप पे तू अभी भी ग्रुप पे नहीं आया हां वही ना मुझे ये दिखा रहा ही नहीं है ऐसे नोटिफिकेशन सेंड किया थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे भाई बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है अब अल्लाह अब आऊंगा ना मैं फ्लिप फ्लैप माइनस करता हूँ पूरे एयरपोर्ट पे अकेला हूँ बाजी पूरे एयरपोर्ट पे अकेला हूँ क्लियर टू लैंड रनवे 11 राइट ट्विच 320732 मेरी रिक्वेस्ट आती नहीं है वही तू सीन आ रही नहीं है ऊपर ही आती है वो कॉलम में नोटिफिकेशन जैसा हां हां बेल आइकन रहता है ना उस पे बजता है तो तू रिक्वेस्ट सेंड कर अगर नहीं आई मुझे लेकिन वो आप ऑफलाइन दिखा रहे हो मतलब डिस्कनेक्टेड से मैंने ऑनलाइन दिखा रहा ही नहीं है तो ये तेरे सर्वर का इशू है पता है उसकी देखना पड़ेगा एक बार अरे दूसरे सर्वर चले जाओ ना सिंगापुर से हट के हां वैसे नहीं वो सर्वर का इशू नहीं है इसके इंटरनेट का इशू है एयरटेल का लगाया पाजी अभी जियो का था एयरटेल का लगा दिया गंदा लैग डिसेंट कर गंदा लैग हो रहा है बोले सी का पे दूसरी साइड में ये मुंबई का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्टेड है क्या ना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है ज्यादा दूर नहीं है मुंबई का इतना मुझे पता नहीं है पर दिल्ली का पता है दिल्ली का दूर दूर है नहीं सिम क्यों जाएगी डोमेस्टिक है सो इंटरनेशनल है पर D2 ओनली इंटरनेशनल है D3 सो T2 हां अच्छा इनके टर्मिनल अलग अलग है मुंबई में लेकिन कनेक्ट रनवेज एक ही है ऐसा नहीं दिल्ली का रनवेज भी अलग है हां मतलब मेन आमतौर पे एक ही रनवे यूज होता है वहां जो 27 है वही यूज होता है टेक ऑफ के लिए हां उतना मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत बार वहां ट्राई किए वैसे सभी भी ऑन है मुंबई का क्यूएनएच क्या रे मुंबई का क्यूएनएच 09 पे लैंड कर रहे हैं तो हमें घूम के आना है ना रनवे हमारे सॉरी एयरपोर्ट हमारे लेफ्ट में है 1011 राइट में है पता नहीं मेरा क्या सीन शॉट है देखो आपको ना एक बार रिमूव करके ऐड कर दो वापस ठीक है बैक ट्विच 320732 टर्न नेक्स्ट टैक्सीवे ऑन दैट पता है ऐड वो शायद या तो मेरा स्किप हुआ हुआ या फिर तुम्हारा नेट की वजह से शुरू हुआ होगा रैंडम बीज
आपका रैंडम डिव्स नंबर क्या है? रैंडम डिव्स में कुछ कैपिटल taxi off these are coming off autopilots auto sweep on waiting for a few usse pehle main kahan 12109 na request taxi to gates bhaiya aapka cloud wipe par main bhi capital hai kya mera train bhi skip nahi hua to twitch ke side se hoga kya hua bhaiya sir g capital hai g capital taxi to gate 34 via taxiway bravo alpha twitch 320732 aaya gaya aapko in game bheja taxi in game bheja in game to shayad uske sath mein hashtag bhi hoga hashtag 4402 randomly since the mai abhi bhai aapko bhi bheja hai dekho aayega to second लाड़ो पे भाजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया फिर भी ऑनलाइन दिखा रहा है थोड़ा अजीब है क्या मेरा इंटरनेट गाली तो पायलट इज ऑन सॉरी ऑटो पायलट ऑन बोला फ्लाइट डायरेक्टर बंद है अपना लैंडिंग तो सब कुछ हो ही चुका है गेट तक पहुंचते हैं उसके बाद इंजन को बंद करेंगे और जो लैंडिंग के टाइम में ना मैं वो करना भूल गया क्या बोलते उसको ऑटो ब्रेक्स को कन्फिग करना भूल गया इसलिए ज़्यादा रोल आउट हो गया वो पर ठीक है यार नॉट इन अ ग्रुप मुझे रिक्वेस्ट करना है पागल अरे यार अरे वापस सेट करना पड़ेगा क्या अरे टैबलेट हो गया वो इंस्ट्रूमेंट और लवर डेढ़ घंटे के फ्लाइट में तो बहुत ज़्यादा बहुत कम पाया फ्यूल पाया होगा 10% फ्यूल ही पिया इसने एमसीडी the farm sheet ab aaya notification do I call in the folder aaya do I call in the bucket kai अभी आया अभी पूरा स्वर आ गया क्या ये डाउन पार्किंग ब्रेक्स ऑन जेटवे कनेक्ट हो रहा है डोर ओपन हुआ उसका बंद अब अपने को सबसे पहले तो एपीयू स्टार्ट हो रखा है तो इंजन बंद करना चालू कर देते हैं क्रैंकिंग इंजन नंबर वन और उससे मांगेंगे हम पावर सप्लाई ग्राउंड सर्विसेज दे रहे तो वो पावर सप्लाई देता है एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट 32072 to a ground power unit is on the road. Baggage निकालो बे. Ground Twitch 32072, could you please send the baggage? Twitch 32072.
ये कैसा गाना है? विष्णु मेरा जरा मुख हम गंदे खुद के पार पला आज जनवर दिगार बुने ना एक इंजन तो बंद हो गया वेटिंग फॉर माय सेकंड इंजन टू कम ऑफ Both engine cold and dark. I need to turn my batteries off. I'm done with power Ground supply. Round 320732. I am done with power. देखे नाव भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपन ने कितनी स्पीड से लैंडिंग की -760 टेकन की मैं भाई उस मेरे को बहुत ऊपर छोड़ दिया था इस अप्रोच ने गुड लैंडिंग है ना थोड़ा सा और दूर से आना चाहिए था मैनुअल फ्लाई करके दो 2000 किलो फ्यूल बर्न हुआ इसमें चलो गाइस इसी के साथ आज की स्ट्रीम होती है समाप्त मिलते हैं हम कल शाम आज शाम को मिलेंगे तब तक के लिए अडियोस अमिगोस बाय बाय टेक केयर सी यू सून